नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कल शाम को वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि पापा जी फ़ोन में न्यूज़ देख रहे थे, हमारी टीवी ख़राब हो गई है, इसलिए फिर मैंने उनसे फ़ोन मांगना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए मैंने कल शाम का वीडियो लेट हो जाता बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने फिर अपलोड ही नहीं किया उसको। ठीक है दोस्तों, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नवगीत अर्धशती के रचयिता कौन है। बताइए दोस्तों, कौन है नवगीत अर्धशती के रचयिता। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह है, डॉक्टर धनंजय वर्मा है, डॉक्टर गौरीशंकर सत्येंद्र है, या फिर है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका इस यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृत समान है, कथन के रचयिता कौन है। तो आप सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हो। बताइए दोस्तों, कौन है, जयशंकर प्रसाद है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही है, हजारी प्रसाद द्वेदी है, या फिर है मैथिली शरण गुप्त। तो आप सभी जानते हो कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही है। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है। और दोस्तों, आज के क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, आपको अच्छे लगेंगे और हटके लगेंगे थोड़े से, पर मैं आज है ना अच्छे से इसको क्रॉस चेक नहीं कर पाई, डायरेक्ट वीडियो बना रही हूँ लिखने के बाद मैंने क्रॉस चेक नहीं किया। वैसे हमेशा मैं चेक करती हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाती हूँ ताकि गलती ना रहे, लेकिन आज नहीं किया है। और अगर कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मेरा काम आसान हो जाएगा, तो मैं उसको पिन कर दूँगी और बता दूँगी कि यहाँ पर ये दिक्कत है, उसको देखने के बाद। ठीक है, और आजकल एक बात और है कि मेरी आवाज़ आपके पास साफ़ नहीं आती होगी, क्योंकि पंखा चलता रहता है ना, तो इसकी आवाज़ भी आती है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते दोस्तों, आपको बताना है हाइकू कविता है, इसमें पंक्तियाँ कितनी होती है। देखिए, ये हाइकू कविता है, ये जापान से इसकी उपज मानी जाती है, तो आपसे तो यहाँ पे ये पूछा है कि इसकी जो पंक्तियाँ हैं वो कितनी होती है। तो दोस्तों, तीन पंक्तियों में लिखी जाती है। ठीक है, तीन पंक्तियों में लिखी जाती है हाइकू कविता, आप याद रखना है इसको। त्रिलोचन उपनाम से कविताएं लिखने वाले कवि है, आपको बताना है कि त्रिलोचन के उपनाम से कविताएं कौन से कवि ने लिखी है। ठीक है, शंभुनाथ सिंह ने लिखी है, महावीर प्रसाद द्वेदी जी ने लिखी है, महादेवी वर्मा ने लिखी है, या फिर वासुदेव सिंह ने लिखी है। तो बताइए कौन सा उत्तर सही है यहाँ पे दोस्तों। तो हमारा उत्तर यहाँ पे सही है, वासुदेव सिंह। ठीक है दोस्तों, आप सभी को याद हो गया होगा। हम आगे पढ़ते हैं अभी क्वेश्चन दूसरा। दोस्तों बता दीजिए मुझे कि कुआसी कृति के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन हमारे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, आपको पता होगा पहले से इसका उत्तर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ चुके हैं पहले भी। अब आपको बताना है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। बताइए दोस्तों कौन है, इसको भी आप पढ़ चुके हो पहले। केदारनाथ सिंह है, वासुदेव सिंह, त्रिलोचन है, कमलेश्वर है, या फिर है नामवर सिंह। तो आप सभी कह रहे होंगे कि मैडम इसका सही उत्तर है नामवर सिंह। ठीक है, तो आप सही बता रहे हो बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर कबीर के रचनाकार कौन है। उत्तर कबीर के रचनाकार का आपको नाम बताना है। तो बताइए कौन है, केदारनाथ सिंह है, नामवर सिंह है, निर्मल वर्मा है, या फिर है धर्मवीर भारती। तो आप सभी कह रहे होंगे मैडम केदारनाथ सिंह है इसमें, तो सही उत्तर है बिल्कुल। सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम क्या है, तो इसको तो अभी अभी देख चुके हैं, ये रविवार गया था तभी देखा है ना दोस्तों। तो आप बता रहे होंगे मैडम गोसाई देते हैं, तो बिल्कुल सही है। और दोस्तों, अभी तक आपने मुझे बताया नहीं कमेंट करके कि मैं इस रविवार को कौन से कवि पे वीडियो लाऊं, आप मुझे बताना प्लीज़ कमेंट करके, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे उसका मुझे आइडिया नहीं होगा, क्योंकि मेरे समझ में तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि मैं किस कवि के ऊपर लेके आऊँ। आपके कमेंट आएंगे ज़्यादा, उसी के आधार पर मैं वीडियो लाऊंगी, और अगर आपने कमेंट नहीं किए तो मैं नहीं लाऊंगी, इसीलिए आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बताना पड़ेगा मुझे कि मैडम इस कवि के ऊपर वीडियो लाओ, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी हमें पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, तभी रविवार का वीडियो आएगा, वरना मैं नहीं लेके आने वाली। दोस्तों इस क्वेश्चन में बताओ कि अज्ञेय की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया। तो बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने ज्ञानपीठ वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हो जाके। तो बताइए कौन सी रचना है जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आप सभी जानते हो कि कितनी नावों में कितनी बार इनकी कृति है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1978 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आपको याद है ये सभी को। और देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। तो आप सभी को पता है कि 1893 ईस्वी में हुई, इसके ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हो इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो आपने बता दिया बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों इसको भी बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके चारों ऑप्शन देखें और उसके बाद ही आप इसका उत्तर बताओ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इसमें गलती करो। इसीलिए तो बताइए दोस्तों, किसको माना है? सुमित्रा नंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, मुकुटधर पांडे को, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों मुकुटधर पांडे, इसको माना है इन्होंने छायावाद का प्रवर्तक। और दोस्तों आपको मुझे ना एक क्वेश्चन बताना है कमेंट में एक क्वेश्चन का उत्तर बताना है, और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि रामचंद्र शुक्ल के छायावाद के जो कवि है उनमें सबसे प्रिय कवि कौन है? और अभी जो सुमित्रा नंदन पंत वाला वीडियो था ना, उसमें मैंने आपको लिखवाया, समझाया, बताया अच्छे से कि रामचंद्र शुक्ल का सबसे प्रिय कवि कौन है छायावाद में, सिर्फ छायावाद में पूछा, ठीक है, हिंदी साहित्य में नहीं। तो आप मुझे बताना कौन है, ठीक है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, छायावाद का पतन नामक समीक्षात्मक कृति के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों कौन है, डॉक्टर देवराज है, डॉक्टर धनंजय है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा है, या फिर इसमें है डॉक्टर नगेंद्र, मैं तो भूल ही गई इस ऑप्शन को पढ़ना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक थे, आपको पहले संपादक का यहाँ पे नाम बताना है दोस्तों। तो बताइए कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बाबू श्याम सुंदर दास है, लोचन प्रसाद पांडे है, या फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद? तो दोस्तों आप कह रहे होंगे मैडम इसका तो सीधा सा उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने तो 1903 ईस्वी में इसका कार्यभार संभाला था दोस्तों, और ये पत्रिका तो 1900 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। तो 1900 में सर्वप्रथम इसके संपादक थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है यहाँ पे बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। आपको जब सारी चीज़ों की जानकारी होगी तभी आप इस तरीके से छांट के उत्तर करना सीखोगे, और अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहोगे तो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है। मैं आपको अगर आपसे पूछा कि कौन सा सही है तो मैं आपको तीन को गलत क्रॉस करवा के एक सही तक पहुँचाऊँगी, और अगर आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा गलत है तो तीन सही को टिक करवा के आपको गलत तक पहुँचाऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको बिल्कुल ईमानदार प्रयास करना होगा मेरे साथ, जैसे कि मैं कर रही हूँ आपके साथ। मेरा तो कोई ऐसा खास उद्देश्य नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे निरंतर सीखते रहने की आदत लगी हुई है, अच्छी आदत है, मुझे अच्छी लगती है अपनी आदत कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ चीज़ों से, मुझे पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी पढ़ाई करो कि कुछ सीखो, यूँ ही नहीं यार कि टप्पो में कुछ भी कर रहे हो, बस ये क्वेश्चन पढ़ लिया इसका ये हो गया बस चलो आगे बढ़ो, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ऐसे पढ़ाई करेंगे कि हमें काम आए, जिंदगी भर हमारे काम आए वो पढ़ाई, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि कविता कौमुदी के रचनाकार है, आपको बताना है कविता कौमुदी के रचनाकार, ठीक है। तो बता दीजिए कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, रामकुमार वर्मा है, राम नरेश त्रिपाठी है, या फिर है रामचंद्र वाजपेयी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी नामक कविता के रचयिता कौन है? तो ये तो पंक्ति देखते ही आपको मालूम हो गया होगा कि इसके रचयिता कौन है दोस्तों, नागार्जुन है, बाबा नागार्जुन के नाम से ये जाने जाते हैं। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी ये कविता इनकी है, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों ये, ठीक है, आप याद रखना। कुणाल गीत के रचयिता कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि कुणाल गीत के रचयिता कौन है, तो बता दीजिए कौन है। तो देखिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महादेवी वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। तो बताइए क्या है इसका सही उत्तर? तो दोस्तों आप सभी कह रहे होंगे कि इसका सही उत्तर है मैथिलीशरण गुप्त, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका सही उत्तर मैथिलीशरण गुप्त ही है, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे। रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ प्राप्त कृति है, देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, एक तरह से ये क्वेश्चन यूं है, ठीक है। तो आप बताइए कौन सी को मिला, रश्मि रथी को, उर्वशी को, कुरुक्षेत्र को, या सभी को? तो आप कह रहे होंगे मैडम रश्मि रथी काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी, शायद इसको मिला होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इनकी उर्वशी कृति है ना, इसके लिए मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, आपको याद रखना है ये अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से देखिए ज्ञानपीठ से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको किसी भी तरीके से घुमा के आपके सामने पूछ सकता है आपसे, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो उर्वशी के लिए मिला इनको। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य निर्धारित है, मतलब कि कौन सा महाकाव्य है जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो आप सभी जानते हो कि कौन सा है, तो बता दीजिए कौन सा है, प्रिय प्रभास है, साकेत है, यशोधरा है, या फिर है द्वापर? तो बताइए कौन सा है।
तो दोस्तों ये है प्रिय प्रभास, और आप सभी को मालूम तो होगा ना प्रिय प्रभास किसका है, मतलब इसके लेखक कौन है। अगर मालूम है तो बताना मुझे, और नहीं मालूम है तो रहने देना। देखिए दोस्तों, ये जो साकेत है ना, मिथिलेश्वर गुप्त की रचना है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हमारे सिलेबस में ये लगी होगी तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कविता पटकथा के कवि कौन है। आपको बताना है कि कविता पटकथा के कवि कौन है। तो बताइए दोस्तों कौन है, मुक्तिबोध है, धूमिल है, महादेवी वर्मा है, या फिर है पंत, सुमित्रानंदन पंत जी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है धूमिल। ठीक है, देखिए दोस्तों ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसको देख लेते हैं। अक्षण काव्य नूरजहाँ के रचयिता कौन है। आपको क्लियर करके बोल दिया पहले ही कि अक्षण काव्य है नूरजहाँ, इसके रचयिता का आपको नाम बताना है। ठीक है, साफ साफ उसने बोल रखा है। तो लीलाधर जगुड़ी है, लक्ष्मीकांत है, गुरु भक्त सिंह भक्त है, या फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन, गुरु भक्त सिंह भक्त। ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, अगर आपकी इच्छा हो तो। इसमें ज़बरदस्ती की बात नहीं है। हाँ, ज़बरदस्ती की बात उसमें है कि रविवार को कौन सी वीडियो लाऊँ, मतलब कौन से कवि से संबंधित वीडियो लेके आऊँ, वो आपसे ज़बरदस्ती है मेरी। तो वो तो आपको बताना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो मैं वीडियो नहीं लेके आ पाऊँगी, और वीडियो नहीं लाऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने मेरा काम अच्छे से नहीं किया, क्योंकि मैं तो अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ। आप करो नहीं करो वो आपकी इच्छा। देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर आपने अपनी शिक्षण विधि पढ़ी होंगी हिंदी साहित्य की, या फिर आपने थोड़े से भी टीचिंग से रिलेटेड सिलेबस पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि तीन चीज़ें होती है हमारी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए सबसे पहले होते हो आप, ठीक है, छात्र केंद्रित है आज की जो पढ़ाई है वो, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो आप, उसके बाद पढ़ाने वाला जो आपको पढ़ा रहा है कोई भी, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, मैं पढ़ा रही हूँ या कोई भी पढ़ा रहा है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है आपकी किताब, और इन तीन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे आप ही के ऊपर केंद्रित है, छात्र केंद्रित होती है, तो आप जब तक नहीं करोगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। चाहे पाठ्यक्रम कितना भी आपके आसपास इकट्ठा पड़ा रहे, कितने भी टीचर आपके आसपास घूमते रहे, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं जाओगे तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो टीचर होता है ना दोस्तों, उसकी भूमिका सिर्फ मार्गदर्शक की होती है, वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, और आपको चीज़ों को अगर पढ़ाएगा तो आपको 40% दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ तो 60% दे सकता है, पूरे 100% तो नहीं देगा ना, क्योंकि कुछ परसेंट तो आपको अपने दिमाग में खुद ही बिठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाएगा नहीं, वो पढ़ाएगा पूरा आपको, लेकिन समझ तो आपकी है ना, आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो। तो आप सोच लीजिए एक बार अच्छे से कि आप अपने साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि टीचर बहुत मिल जाएंगे। टीचर की भूमिका सिर्फ मार्गदर्शक की है, वो अपने अनुभव के आधार पर आपको मार्गदर्शन दे देगा, आपका मार्गदर्शन कर देगा, लेकिन उसके बाद पर मार्ग तो आप ही को चुनना है ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बातें आपको लगती होंगी कि क्या बोलती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की